हल्द्वानी में हरि शरणम जन संस्थान द्वारा एमबीए इंटर कॉलेज के प्रांगण में मौजूद सैकड़ों लोग 111 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह के गवाह बने। यहां कन्याओं की शादी के साथ साथ उन्हें नए दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी साजो सामान भी उपहार स्वरूप दिया गया। भव्य विवाह कार्यक्रम में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हर तरफ महिलाओं द्वारा वैवाहिक मंगल गीत गाए जा रहे थे तो पंडाल में मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। सामूहिक विवाह समारोह में उत्तराखंड के सीमांत जोहार और शोका समाज के लोग कन्याओं के लिए बारात लेकर आए, जबकि बंगाली और गोरखा समाज के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार बारात का उन्होंने स्वागत किया। इस दौरान विधि विधान के साथ ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शादी विवाह कराया गया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हरिशरणम जन के माध्यम से 111 कन्याओं का विवाह हो रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की बहुत प्राचीन जनजाति जिसको हम भोटिया समाज के रूप में जानते हैं, उसी जोहार के शौका समाज ने आज उन बच्चों की विवाह की बारात निकाली और हमारे उत्तराखंड के निवासियों के रूप में रह रहे बंगाली और गोरखा समाज के लोगों ने इस बारात का स्वागत किया। 111 कन्याओं के रूप में कुमाऊं ही नहीं, कुमाऊं से लगे हुए क्षेत्रों की और कुछ उत्तर प्रदेश की भी बेटियों की शादियाँ यहाँ पर आज हो रही हैं।